अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छाला तां सबनी जो ठीक आयो, खुश आयो, खैरियत सा आयो। मां उम्मीद कियां तां सबई ठीक हुंदा, खैर खैरियत सा हुंदा। तां जे पांजे पसंद जे प्रोग्राम कैफे सिंध में मां तवां जी होस्ट तां के भली कार चवां थी, मुसा गड आए शेफ, मां तवां जी शेफ तुक भली कार तवां जी। शुरुआत एडी जबरदस्त थी आए, मां चे मां सजी सिंधी गालाए जाए, जे छाला तां जो क्या बना रही है आज? कुछ काला लग रहा है, कुछ हरा लग रहा है, कुछ रेड रेड, क्या है ये? आज बड़ी ही डिफरेंट रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो ना पसंद करने वाले भी इस सब्जी को पसंद करेंगे और खाएंगे। हम बना रहे हैं दही वाले बैंगन। कारी वांगना था ना, कारा 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 बैंगन, ठीक है। अच्छा, हम बना रहे हैं दही वाले बैंगन, और दही वाले बैंगन बहुत ही लजीज बनते हैं। आप चाहें तो इसे रोटी से या चावल से, जिस तरह से चाहे इंजॉय करें, या ऐसे ही चाहे तो चमचे से ऐसे ही खा लें। अच्छा, दही वाले बैंगन जो है, बैंगन सेहत के लिए बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये थोड़ी रेसिपी हमारी लंबी है, तो हम इसमें एक ही रेसिपी बनाएंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। okay. तो मैं तसल्ली से बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग सीखें। रेसिपी के लिए हमें चाहिए, दही वाले बैंगन की रेसिपी के लिए हमें चाहिए तकरीबन 750 ग्राम बैंगन, ठीक है। okay. फिर उसके बाद हमें चाहिए 1 किलो दही। दही उसके लिए कुछ भगार के लिए हमें जो हम चीज़ें चाहिए होंगी वो चाहिए हमें तकरीबन आधा चाय का चमचा लाल कुटी मिर्च, आधा चाय का चमचा हमें चाहिए होगा नमक, आधा चाय का चमचा हमें साबुत लाल मिर्च, ठीक है। और कुछ कड़ी पत्ते आपके पास हों, मुझे मिले नहीं तो मेरे पास नहीं है, कड़ी पत्ता बघार में बहुत अच्छा लगता है, आप डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च और गोल लाल मिर्च दोनों लेंगे, और उसके साथ हमारे पास जीरा जाएगा, और तेल या घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी इस्तेमाल करें, सर्दियाँ हैं, अच्छा लगता है, घी में बनी हुई चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। अच्छा, हमारे लिए फिर हमें चाहिए है तकरीबन 50 से 60 ग्राम तक इमली, कुछ जवे लहसुन के, कुछ अच्छा। मिर्चें, तीन हमारे पास मिर्चें हैं, कुछ 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, इन दोनों को मिला के हम पेस्ट बनाएंगे। एक प्याज है, एक चॉप टमाटर है, एक चॉप प्याज है, 2 टमाटर हैं, अगर बड़ा है तो 1 ले लें, छोटे हैं तो 2 ले लें, टमाटर स्लाइस, और बैंगनों को इसी तरह काटिएगा और काट के भिगो के नमक डाल दीजिएगा ताकि ये काले ना हो। फिर उसके बाद हम दही को फेंट लेंगे बाद में, और कुछ हमें चाहिए अपना तेल। चलते हैं रेसिपी की तरफ, और इसके लिए हमने अपना तवा रेडी करके रखा है, इसमें हम हल्की आंच इसको ऑन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कम तेल लेंगे। आसमा, बैंगनों का पानी निकाल दें, मुझे दे, ये ले, मैं आपको प्याला देती हूँ। नहीं, मैं वहाँ निकाल देती हूँ। हल्का सा हम इसको गरम करेंगे, देखिए आज कैसे बनते हैं बैंगन। वैसे मुझे भी वाकई पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते, शायद पकाने नहीं आते सही से, किसी को पता नहीं। नहीं, मेरे हाथ के तो बैंगन बहुत फेमस है, और मैं जो हूँ बैंगनों का सालन हो या कुछ भी हो, मैं जब भी बैंगन बनाती हूँ तो वो बड़े पसंद करते हैं लोग। तो आज आपको कुछ मुख्तलिफ सिखाऊंगी। हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जो बड़े बैंगन थे मैंने उसके 2 हिस्से करके काट लिए। फौरन सारे नहीं डालने? नहीं नहीं, थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। अच्छा, आपको पता है बैंगन सेहत के हिसाब से बहुत जबरदस्त होते हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ज्यादा पता हो तो बंदा जान लेता ना। बैंगन दिल के लिए बहुत
अच्छा है। अच्छा। ये आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रखता है, ये आपको डाइजेशन में बहुत मदद करता है आपकी, और इससे कैंसर नहीं होता। अच्छा जी, बाज़ सब्जियां और बाज़ फल ऐसे हैं जो आप, आपको पता है हमारे यहाँ हर इंसान में रोज़ाना हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर के सेल बनते हैं, और अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि जब हम अपनी नींद पूरी तरह से लेते हैं तो वो जो सेल हमारे होते हैं उनको, वो अच्छे सेल उन कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो कोशिश किया करें टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और जान है तो जहान है। बिल्कुल। और सेहत हजार, कहते हैं ना तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये मैंने यहाँ पे अपना, जब तक ये हो रहे हैं मैं दही तैयार कर लेती हूँ। दही के लिए मुझे यहाँ पे तकरीबन, मैं आपको बताती जाऊंगी और इसमें चीजें ऐड करती जाऊंगी। दही वाले बैंगन, दही वाले बैंगन। अच्छा, इसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया, उसको बीट कर लिया है। अब मैं दही, अच्छा, 1 किलो दही हो, 1 किलो ही बैंगन? नहीं, 1 किलो नहीं है ये, 750 ग्राम है, इसमें थोड़े कम है, 1 किलो अच्छा। से कम है, 750 ग्राम है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 चाय का चम्मच। दही में ऑलरेडी नमक होता है। अच्छा। 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, अगर आप ज़्यादा तेज खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा दें। उसके बाद हमें चाहिए है गोल लाल मिर्चें, इसको थोड़ा सा से करके तोड़ के डाल दें, और कुछ हम इसमें बघार बनाएंगे तो उसको डाल देंगे। ठीक है। और इसमें जाएगा घी, ज़ीरा, हम जब बघार लगाएंगे तो इसको डाल देंगे, हमारा भी तवा बिजी है तो जब तक हम, अच्छा ये रेसिपी तवे पे ही बनेगी? नहीं, ये हम एक्चुअली हम ये बैंगन बना लेंगे, फिर हमारे इसको हम बघार, तो इसमें तो जब तक बस हमें असेंबल करना है, असेंबल करना है, और चाहे तो देगची में हम इसकी एक छोटी सी ग्रेवी बनानी है। अच्छा। वो बना लेंगे तो वो भी साथ साथ हम करते जाएं। हाँ, वो भी मैं चाह रही हूँ कि तो हम ऐसी साइड आ जाते हैं, निकाल लें और आप ये इसको हल्का हल्का फ्राई करते रहें। देखिए ये बढ़िया। ठीक है, जैसे जैसे ये बैंगन आसपास होते जाएं, हाँ, मैं तो आप इसको निकालते जाएं, जब तक मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। बस ये कोशिश कीजिएगा जले नहीं जी, हमारा टाइम बच जाएगा। हाँ, छो तो रेसिपी लाई वडी हुंदी आ ना, तो वरी यो हुंदा जेकने कट कट थींदो आ तो रेसिपी लाई नाजरीन के समझ में ना ही इंदी, तो असा चवनाऊ गडो गड ता के देखारी ना हालो सही तरीके से पचाइंदा भी वनो। हां, थैंक यू सो मच। ओके जी। और बैंगन जो है ना वो आप जैसे मोस्टली लोगों ने भरता तो बहुत कॉमन है। हाँ। फिर बैंगन आलू बहुत कॉमन है। हाँ। और बैंगन का सालन भी बहुत शौक से लोग खाते हैं, और तो ऐसे ये वाले नॉर्मल फ्राई करके भी चावलों के साथ लोग खाते हैं। बहुत मेरे आज के बैंगन तो मेरी अम्मी और अब्बू बड़े शौक से खाते हैं, और जब भी मैं बनाती हूँ। अच्छा, यही नहीं दूसरे, ये नहीं, बिल्कुल नई रेसिपी है। अच्छा। ये खाएंगे तो ये आपने घर में ट्राई नहीं की? ये मैंने बनाई है, मुझे बड़ी पसंद आई तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारी गर्म हो गई है। हाँ। हल्का तेल लेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, ये हम नाजरीन ये अलग सा फ्राई था क्यों, ये जो स्टेप आए ही हिस्सो इन रेसिपी जो आए ये बता दिसो जो नोट कजो। में जाएगा 1 कप प्याज बारीक कटी हुई, जैसे हम अंडे के लिए काटते हैं, वो ऑमलेट के लिए काटते हैं। ये देखिए निकालें। हाँ, ये निकालते जाएं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच जीरा। साबुत लाल मिर्च,
दो से तीन। ओके जी, ये वांगण भी अहिड़ा थियनि था, वांगण जंहिंखे वणंदा हुजनि, असां ॿई शयूं गॾो गॾु कंदा था हलूं। माशाल्लाह, ये हल्की होगी। हमारे पास यहाँ पे तीन हरी मिर्चे हैं और तीन ही हम लेंगे लहसुन, चार लहसुन है और तीन मिर्चे हैं। अच्छा मेरीन, इसमें थोड़ा सा ऑयल तो ऐड करें, इसकी आँच हल्की करें। नहीं ठीक है, ज़्यादा वो थोड़े मोटे मोटे हैं ना जो। हाँ ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा आए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, लहसुन और हरी मिर्चों को पानी डाल के पीस लेंगे और इसका अच्छा सा पतला पेस्ट बना लेंगे। उसको चलाते रहें ताकि ये जले ना, नरम हो जाए। अच्छा थोड़ो पांजे रेसिपी ये जो प्रोसेस है थोड़ो डिगो आए। हाँ। पर आए रड़ो सुटो है ना। बहुत अच्छी, मैंने कहा थोड़ा लंबा है इसीलिए मैंने कोई और रेसिपी नहीं रखी क्योंकि फिर वो हाँ ज्यादा हो जाता और टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। लेकिन ये ऐसी रेसिपी है कि आप बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ। क्योंकि हमारे पास ये सब्जियां ऐसी हैं कि ये हर साल में किसी दफा भी कभी भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सीजनल है? नहीं, सीजनल नहीं है। आप जब चाहें इसे एंजॉय कर सकते हैं और गर्मियों में तो ज़रूर खाएं क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल है, ठंडा है। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो मानो ही फ्राई करे नॉर्मल जी, ऐसा घर में लूण मिर्च धाणा वगैरह विझी खाईंदा आहियूं त इएं भी खाई सके तो मानो चांवरन सा इएं भी रड़ो मज़ेदार है। अब देखिए ये हमारा पेस्ट जो है वो बन गया है बिल्कुल इस तरह। आप इसको डाल दें इसमें। वड़े किचन जो यो फायदो आ तो सब मिली जुली कम करे सकंदा, बब टेटे चुलान माशाल्लाह सा ये ही ता पानी घर में मिली जुली कम करना क्यों तो राडी सुठी गाल आ पान में भेनर कजन्स चीजों में बरकत भी होती है। जब आप मिलजुल के काम करते हैं तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में उसमें चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, काम जल्दी हो जाते हैं, इससे घर में मोहब्बत भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपस में एक कोई जलन झगड़ा ये चीजें नहीं होती लड़कियों में। आपको पता है मैं जब कभी अक्सर अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे भाई आए हुए होते हैं। हाँ। तो मेरे भाई आके कभी सैलेड बना रहे हैं, कभी प्लेटें लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ आदमियों को काम करना चाहिए और हाथ बटाना चाहिए घर में। इससे भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए, नखरे कि नहीं ये नहीं करें। नहीं मतलब ये आदमी ये हमारे यहाँ है कॉन्सेप्ट कि बस किचन घरदारी औरत संभालेगी। नहीं नहीं नहीं, दोनों का पार्ट होता है। इससे मेरे फादर भी माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं हमें कुछ ना कुछ बना के खिलाएं। जबरदस्त। तो मेरे भाई भी ऐसे हैं, वो भी इसी तरह हेल्प करते हैं। माशाल्लाह खुशनसीब हैं आप। और बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी तो मैं जैसे रमज़ान थे तो मैं यहाँ से शोज़ करके जाती थी तो मेरे भाई अम्मी अब्बू मेरे लिए बिल्कुल इफ्तार। अच्छा, आपके अलावा आपकी फैमिली में कौन ज़्यादा कुकिंग करता है? मेरे अम्मी अब्बू दोनों करते हैं साथ साथ। हाँ, मेरे अम्मी अब्बू दोनों करते हैं। मेरे अपने घर में तो मैं ही हूँ। अच्छा। और है नहीं कोई तो, लेकिन मेरे मदर साइड पे मेरे अम्मी अब्बू बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं। मेरी बहनें बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं माशाल्लाह। सब माशाल्लाह A1 शेफ हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये अच्छे से इसको भुनने दें और ये थोड़ा भुन जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। जब तक आसमा ये डन कर ले रही है। मैंने इसमें एक प्याज लिए चॉप, तेल में मैंने डाला एक चाय का चम्मच जीरा डाला और आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली इसमें और उसके साथ साथ मैंने दो गोल मिर्चें डाली हैं। फिर मैंने अदरक चार जो है अदरक के और तीन मोटी मिर्चें
डाल के उनका पेस्ट बना लिया हल्का सा पानी डाल के, और अब मैंने इसमें एक चॉप टमाटर डाला है, इसकी आंच में थोड़ी सी कम करूँगी और इसमें से थोड़ा सा। अच्छा नाज़रीन, ही वांगण पची ॾाढो जल्दी वेंदा आहिनि, जॾहिं तव्हां फ्राई वग़ैरह कंदा हुआ न त बसि हिन जो एहतियात करिणो वेंदो आहे त हीअ सड़ी न वञनि, हे पची ॾाढो जल्दी वेंदा आहिनि। अब ये इसको होने दें, पानी ऐड किया इसमें, इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड किया मैंने ताकि ये प्रॉपर गल जाए और पेस्ट बन जाए। अच्छा ठीक है, सही। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अच्छा बाद में ये हम इसी में ही ऐड करने हैं, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना। नहीं नहीं, ये इसमें था ही नहीं ना, जल रहा था नीचे से, ये देखे ना। हाँ इसी में मैं इसका बघार बनाऊंगी और फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। सब्जियों में ना बहुत फायदा है, अल्लाह पाक ने बड़ी नेमतें रखी हैं सब्जियों में। जी नाज़रीन, असा जिन प्रोग्राम में अज ठहन था वांगण, दही वारा वांगण, असा यो ही चई सकूं था त तव्हां पंहिंजे घर में ज़रूरु ट्राई कजो। ऐं मूंखे लॻंदो आहे त वांगण इलाही माण्हुनि खे न वणंदा आहिनि, मूंखे बि न आहिनि वणंदा, पर ॾिसो सब्ज़ी आहे, हर सब्ज़ीअ में अलाह साईं जी खलकियल हर शइ में फ़ाइदा आहिनि। ऐं स्किन जे लाइ, असांजी सिहत जे लाइ अलाह साईं राज़ रखियो आहे हर शइ में, त तव्हां अलाह जी ॾिनल नेमतुनि खां इनकार न कयो, परे न भॼो, खाओ। ऐं बसि इहो आहे त जेकॾहिं काई शइ नथी वणे त उनखे थोरो मुख़्तलिफ़ डिफरेंट तरीक़े सां पचाइण जी तव्हां कोशिशि कयो। सो अॼु वरी जेका असांजी कोशिशि आहे इहा आहे त असां वाङणनि खे थोरो मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां पचायूं था, त रेसिपी तव्हांखे महरीन ॿुधाई आहे, तव्हां उहो ज़रूरु नोट कजो। ऐं महरीन मुंहिंजे शइ सां लॻनि जैसे मुंहिंजे लॻ रहे त थोरो काई शइ तरे थी या छा न त फ्राई थिए थी, उन थोरो उड़ती आहे न। हा क्योंकि हमारे वो बैंगन पानी में भी भीगे हुए थे तो वो पूरे प्रॉपर खुशकोन तो उसमें छींटे नहीं उड़ती हैं। अच्छा जी, दरअसल ये रेसिपी हले थी। जी जी, इसमें मैं अब थोड़ा सा मसाले ऐड करूंगी। अच्छा, मसालों में मुझे डालना है आधा चाय का चमचा, इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला, अच्छा नाज़रीन नोट करना वनो, आधा चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चमचा नमक, नमक, और हम ये जो हमारी इमली है इसको भी हम अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल के। अच्छा इमली ऐसा थोड़ी देर का बहुत है विजो। हाँ, हमने ये ब्रेक जो जैसे सा इन गिदामड़ी के थोड़ो साफ करे वठो, इन जो जो गुटली होंदी उन कड़ी वठो, हलाऊं था ब्रेक की तरफ। वक्त ब्रेक जो काडे भी न वंजो, असा सा गड रहजो। वेलकम बैक नाज़रीन, भलीकार तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर कैफे सिंध में। उमेद थी कयां तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॾिसी रहिया हूंदा ऐं मां फाथी बीठी आहियां अञा ताईं वाङण फ्राई करण में। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं आसमा इमली, इमली हमने इमली भिगो दी थी, इसमें हम इमली ऐड कर रहे हैं। इमली का गूदा निकाल दें, गुटलियाँ नहीं डालें। अच्छा, अच्छी तरह से हाथ से मसल लें और इसको डाल लें। सही। अच्छा ये हम क्यों नहीं डालते, इसकी जो गुटलियाँ होती हैं ये खा नहीं सकते ना, मुंह में आएंगे आपके, बुरी लगेंगी। तो इसका और भी तो तरीके कार है, जैसे छन्नी वगैरह में डाल के ऊपर से थोड़ा सा छान लें, आपके पास है इसकी छन्नी आती है जैसे आटा छानने वाली होती है, इसी तरह इसकी छन्नियाँ आती है। आप इसको छन्नी में डाल के अच्छी तरह हाथ से मसल लें और जिसमें भी डालना है प्याले में एक ही दफा करके उसको निकाल लें, बहुत अच्छे से हो जाती है और इमली जाया भी नहीं होती है ना। तो ऐसा बे दफे वो वठी ना से है ना, मैं जो अपनी इमली की चटनी बनाती हूँ उसके लिए। हाँ, मैं वो कहाँ गई अभी, मानीस किचन की चटनी, ओह माय गॉड क्या थी चटनी, जबरदस्त यार, चलती रहती है वो जबरदस्त। अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन थी आन माशाल्लाह सा, ही भी थी डन सा जवांगण फ्राई करे छड्या मां, हाँ ऐसा ही भई लाइंदासी शिफ्ट कंदासे। ओके जी, जबरदस्त थी आ माशाल्लाह सा डन, शाबाश, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डाल दी है इमली, डन को अच्छे से करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा चूल्हा खाली हो गया, आसमान जरा इसको यहाँ शिफ्ट करें। ओके जी, ये मुझे दे, शिफ्ट करते हैं।
ठीक है, सिर्फ हल्की आंच पे बिल्कुल इसको पकने दें हल्का सा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। ओके जी, बिल्कुल हल्की आंच पे पानी डाल के थोड़ो पानी विझी पचण जे लाइ असां रखी छॾियो से। मुंहिंजो ध्यानु हेॾे हुयो वाङणनि जी तरफ़ हिनखे फ्राई करण में। तव्हां हिन में ॾिठो हूंदो त मेहरीन मसाला कहिड़ा कहिड़ा हिन में शामिलु कया आहिनि, तव्हां नोट बि कयो हूंदो। आप इसको कवर कर दें और ये हमारे अब हम इसमें तेल लेंगे, तकरीबन एक चौथाई कप तेल है, उसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा एक खाने का चम्मच, जीरा एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च। ये थोड़ा चटपटा बनता है, अच्छा मजा आ जाता है खाने में, और जो है आप जब खाएंगे तो एंजॉय करेंगे। और इसमें हम अच्छा हमने कभी ये करी होती, कड़ी होती क्या होती है वो, हमने बनाई है कभी कड़ी? हाँ दही की। हाँ हाँ नहीं नहीं बनाई ना, नहीं वो भी हम बनाएंगे कभी। मैं बहुत अच्छी कड़ी बनाती हूँ। आप तो हर चीज़ अच्छी बनाती हैं, ये कौन सी बात हो गई? बहुत अच्छी कड़ी बनाती हूँ और अभी मैंने रिसेंटली बनाई थी कड़ी। अच्छा अच्छा, मैंने हलीम बनाया था अभी। यार हलीम में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है, मैं पूरा दिन लग गया था मैंने, लेकिन वो जो हलीम मैंने बनाई और जब खाई तो वर्ड था वो मेहनत मानू ब्या सब पोते पोते। अच्छा अच्छे से अब इसको इसका तैयार कर लेंगे बघार, और इसको हम साइड रख देंगे नीचे। ये हमारा अच्छा आसमा जी, ये मैंने कुछ आलू तो कुछ टमाटर तो मैंने बारीक काटे थे, और ये वाले टमाटर जो हैं हम अच्छे से जो हैं ये इसमें डाल देंगे साबुत। अच्छा ये खाने में हल्के हल्के होते हैं। हाँ, बड़े अच्छे, बड़े लगते, अच्छे लगते हैं, जैसे बिरयानी में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये जब हम इसकी तह लगाएंगे तो बड़े ही जबरदस्त लगेंगे, हल्के से नरम हो जाएंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा टमाटर को निकालेंगे मतलब रखेंगे उसको साथ ग्रेवी। अच्छा ये इसी में डालेंगे? नहीं ये हम बना रहे हैं भगार अपने दही के लिए। अच्छा ये हम उसमें डालेंगे? ये हम दही में डालेंगे। अच्छा वाओ, दही का जैसे दही बड़े बनते हैं तो उसमें भगार लगाते हैं ना। अच्छा जी, अब ये हो गया डन। ओ जबरदस्त, इसकी बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। जबरदस्त, और इससे आपका दही का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे कभी आप रायता बनाना चाहें तो ये रायते के फॉर्म में भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अच्छा। कर देंगे बंद और आप इसको कर लें मिक्स। अच्छा ये वैसे ही लग रही है रेसिपी जैसे कड़ी होती है ना, वैसे ही लग रही है। हाँ जीरे वाले चावल हों वाइट। हाँ वही बता रही हूँ कि आप ये इसको कभी सालन वगैरह नहीं हो घर में, दही हो ये वाला रायता बनाएं और रोटी लें, और आपको पता दही बड़ा फायदेमंद होता है और रास्ते में तो खानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए और घर में ज्यादा। अच्छा असांजी तकरीबन डिश रेसिपी तैयार थी वई आहे, डिश आउट कंदासीं हाणे। अब मैं आपको इसका जो फाइनल स्टेप है वो बताऊंगी। इसकी आंच थोड़ी तेज कर दें आसमा। अच्छा ये फाइनल करते जाएं और मैं चाह रही हूँ लास्ट में आप रिपीट भी करते हैं, डिश आउट भी करें। अच्छा अब इसका तरीका क्या है कि हम ये हमारा दही है। हाँ अच्छा वो मुझे गहरा वाला थोड़ा वो दें जिससे मैं दही निकाल लूँ। हाँ अब मैं ये जो मैंने बीट किया है दही, एक किलो दही में मैंने मसाला डाला, फिर बघार लगा के जो बनाया इसको मैं इसकी तह लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसे वो एक बनता है ना लजानिया, लसानिया। हाँ हाँ लजानिया बिरयानी हो गई, हाँ। तह लगती है ना, सेम वैसे इसी तरह हम इसकी तह लगाएंगे। अब ये जो हमने बैंगन फ्राई किए थे वो रखेंगे, ये बैंगन ले लेंगे। अच्छा देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है ये। अच्छा
चेक कर लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। तकरीबन फाइनल है माशाल्लाह। हाँ, बस हम इसको ज्यादा मो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, फिर तो वो टेस्ट ही चला जाएगा, जबरदस्त ड्राई हो जाएगा। चले जी, असान जी रेसिपी थी फाइनल माशाल्लाह सा। हाँ, ऐसा क्या होता डिश आउट हमेशा वांगुर अज जो प्रोग्राम करे भी ढो मजो आयो वांगण अस सिखियासी मुख्तलिफ कें तरीके से तो मुख्य तो ढा जबरदस्त लगा। हे भले न होजन पर हि जो ठहल है मसालो वो ही कमाल ठहल है। अच्छा मेरी जल्दी जल्दी से रेसिपी भी ज़रा रिपीट कर दें ताकि नाजरीन को पता चले जिन्होंने हमें लास्ट में ज्वाइन किया है। अच्छा, हम आज बना रहे हैं दही वाले बैंगन। बना लिए वो तो दही वाले बैंगन जो हैं, अभी जब तक हमारा डन नहीं होगा तब तक तो हम बना ही रहे ना। अच्छा, दही वाले बैंगन के लिए हमने लिया है 750 ग्राम दही और उसके साथ 750 ग्राम बैंगन, 1 किलो दही, आधा चाय का चमचा नमक, लाल आधा चाय का चमचा लाल कुटी मिर्च, उसके साथ हमने लिया है तड़का के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो हम दही में लगाएंगे, सही है, कुछ कड़ी पत्ते, कुछ गोल मिर्चें, ठीक है, ये आपने दही को बीट करके उसमें डालनी है चीज़ें। और जो भगार के लिए हमने लिया था तेल, उसमें भी हमने ज़ीरा डाला तकरीबन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, और 2 से 3 हमने लिए गोल मिर्चें और हमने उसको तेल में फ्राई करके अपने दही में डाल दिया। नमक आप डाल दें जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद हमने बैंगन लिए थे 750 ग्राम बैंगन, गोल काट के पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद आप इनको फ्राई कर लें हल्के तेल पे दोनों तरफ से। फिर उसके बाद हमने ली थी 1 प्याज, थोड़े से तेल में हमने उसको फ्राई कर लिया, उसमें भी हमने थोड़ा ज़ीरा डाला, थोड़ी कुटी लाल मिर्च डाली और हमने डाला लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, हमने 3 और 4 लहसुन के जवे लिए, उसको हल्का पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया। फिर हमने अपनी प्याज वाले बैटर में उसको डाला, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाला, अच्छी तरह से उसको पकने दिया, हमने मसाले डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और उसके साथ हमने गरम मसाला ये डाला, इमली का पल्प डाला जो कि 50 से 60 ग्राम इमली थी और बाद में जब ये पक गई चीज़ें तो हमने 2 कटे टमाटर अलग से डाल दिए और उसको भी थोड़ी देर ढक के पका लिया। अब हमने एक डिश ली, उसमें हमने दही डाला और बैंगन उसके ऊपर रखे और फिर अपने ये मसाले का हम जो है तह लगा रहे हैं और ये 1 से 2 दफ़ा आप इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे ताकि आपके बैंगन और सब मसाला एक साथ एक जगह हो जाए। और जी आप इसको इंजॉय करें रोटी से, राइस से, चमचे से, जैसा आपका दिल करे इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। अच्छा ये जी हमारे बैंगन हो गए हैं तैयार, हमने इनकी तह लगा ली है बहुत अच्छे से और हमने हर धनिया इस पे डाल दिया है। यहाँ पे हमारी रोटियाँ हैं और हम इसको बीच में से काट लेते हैं। असांजा दही वारा वांगण बिल्कुल तैयार है, रेसिपी तैयार है, ही तकरीबन जेके वांगण सब्जी है माशाल्लाह सा सभी खाधी होंगी पर कुछ मानन के न वणंदी है। सो अज यकीनन जेके मुआंगर नाहन खाइंदा और यकीनन खाइंदा इलाही शौक सा खाइंदा था। मेरीन कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से ये रेसिपी ठाई है, ढी जबरदस्त ठाई है थी, माना जी टेस्टी चटपटी होंगी ना, तो मानी से भी खाई सो, चावर से भी खाई सो, खाई सो। सो इन से गड असाजे प्रोग्राम जो वक्त पानी पुजाणी से पहुतो है। इनशाला नेक्स्ट इंदड़ हफ्ते के नई रेसिपी से गड तेजे प्रोग्राम कैफे सिंध में हाजिर थी। मेरीन कैफे सिंध इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। रेसिपी ट्राई करना ना भूलिएगा और रेसिपी ट्राई करके हमें बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी बनी। और आपकी कोई भी फरमाइश हो आप हमें YouTube के ज़रिए, Facebook के ज़रिए बता सकते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।